वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही सिंपल सा ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक पार्टी वेयर एंड वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर किया था एंड काफी हैवी मेकअप लुक था वो। तो उसमें मेरे को काफी सारे कमेंट्स आए कि आप कोई सिंपल और एवरीडे मेकअप लुक दिखाइए, या फिर हम कहीं जा रहे हैं घूमने, या फिर कॉलेज वगैरह, या फिर मार्केट, तो हम कैसा मेकअप कर सकते हैं। सो ये वाला मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल तरीका है गाइज, और काफी सारे टिप्स भी मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस लुक को आप ब्रेड के पोनीटेल के साथ या फिर खुले बालों के साथ इसको रख सकते हैं, जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो। अपने हेयर स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, और हेयर स्टाइल एंड एक्सेसरीज से भी आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करेंगे गुलाब जल से गाइस। तो आप कोई भी गुलाब जल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये अल्प्स गुडनेस का रोज वाटर। अगर स्प्रे फॉर्म में है तो वेल एंड गुड ये इस तरीके का है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा अपने पाम पर लूंगी, और ये अभी मैंने न्यू मंगाया है, केवल मैंने एक बार इसे यूज किया है, काफी अच्छा लगा मुझे। इस तरीके से हल्का हल्का सा आपको केवल टैप करना है अपनी स्किन पर, रगड़ना नहीं है, पूरे हाथ पे फैलाकर। और अगर स्प्रे फॉर्म में है तो जस्ट आप स्प्रे कर लीजिए, जैसे हम टोनर का यूज करते हैं। बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेड चीजें आज हम यूज करने वाले हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक है। सो और जो भी आप अपना स्किन केयर कर रहे हैं वो आप डेली बेसिस पर रखिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सीरम। तो आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये विटामिन ई वाली सीरम, गुड वाइब्स की विटामिन ई सीरम। इससे क्या होता है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से नरिश हो जाती है, और अभी वैसे भी सर्दियों का टाइम है तो काफी ज्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है। ये थोड़ा सा ना थिक कंसिस्टेंसी के साथ है, इसलिए मैं इसे 2-3 बार लेकर अच्छे से अमाउंट में इसको फुल फेस पर अप्लाई करूंगी। इसको भी बिल्कुल डैबिंग मोशन में आपको फुल फेस और नेक पर अप्लाई कर लेना है। इसको ना बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में ये पेनेट्रेट हो जाएगा, और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट करता है। तो मैं बता रही थी आपको, आपका जो स्किन केयर है वो बिल्कुल आप डिटो रखिए। हफ्ते में 2-3 बार आपको स्क्रबिंग करना है, जेल यूज करना है। सो इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, और मैं यूज कर रही हूँ ये निविया सॉफ्ट का लाइट मॉइस्चराइजर। आप कोई भी जेल यूज कर सकते हैं, और आप लोगों से बात करते करते ही ये स्किन में देखें बिल्कुल अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, और ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है। इतना ज्यादा पसंद है मुझे, मतलब पूरी सर्दियां मैंने इसको अप्लाई किया है, और बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहता है मेरा फेस, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे काफी ज्यादा हाइड्रेट रखना पड़ता है अपनी स्किन को, वरना ये बहुत जल्दी ड्राई और रूखी सूखी सी लगने लगती है। सो फुल फेस को हमने बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज करना है। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर न्यूट्रीजिना की ये अल्ट्रा शीर सनस्क्रीन, और ये SPF के साथ आता है, 50+ SPF गाइस। तो और किसी भी सनस्क्रीन में आपको नहीं मिलेगा 50+ SPF। तो ये सर्दी गर्मी कभी भी आप यूज करें, हमेशा आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी हम फुल फेस एंड नेक पर अप्लाई करेंगे। सनस्क्रीन को देखिए पूरे फेस पर हमने अप्लाई कर लिया है। अब ये जो हमने मॉइस्चराइजर लगाया था वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जिससे कि मैं अपने हाथों पर भी इसको लगा लूँ, और बिल्कुल अच्छे से ना हाथ भी मेरे मॉइस्चराइज हो जाएं। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर ये पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी BB+ क्रीम। सो मुझे लगता है कि एवरीडे बेसिस पर आपको कोई हैवी फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए, सो इसलिए आई टेक दिस। और स्कूल टाइम से मैं यूज कर रही हूँ। सो अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल है, या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल है, या फिर एवरीडे में आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखें, सो यू कैन यूज दिस। इवन हाउसवाइफ जो भी घर में रहती हैं फिर भी स्टिल अट्रैक्टिव दिखना है आप लोगों को, और प्रेजेंटेबल दिखना है, तो आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हैं। और इसको लगाने से पहले हमेशा हमेशा आपको लगाना है एक प्राइमर। इससे क्या होगा, आपकी स्किन है, आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। सो इसको हम यूज कर लेंगे। ये बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट का यूज होता है प्राइमर, देखें इतना ही काफी रहेगा आपके फुल फेस के लिए।
कभी भी आप प्राइमर फाउंडेशन लगाएं या फिर कोई भी बीबी क्रीम लगाएं, सीसी क्रीम लगाएं, तो आपको पहले प्राइमर अप्लाई करना है आपके फुल फेस एंड नेक पर। ओके जी, तो हमने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया, अब हमें लगाना है ये बीबी क्रीम। और पहले मैंने लिया था ना, वो इस तरीके के पंप बेस में नहीं थी, बट इस बार ये पंप के साथ आई है। सो एक पंप इतना काफी रहेगा मेरे फुल फेस के लिए। इवन ये काफी लॉन्ग लास्ट भी है गाइस, तो आप इसको कहीं मार्केट जा रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई थी तब मैंने यही वाली क्रीम यूज करी थी, और फुल फेस एंड नेक पर डॉट डॉट करते हुए हम इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लेंगे, जैसे कि आप फाउंडेशन को करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बट ये लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट आपको फील करेगा, थोड़ा सा आईज के ऊपर भी, क्योंकि हम कोई भी कंसीलर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको फिंगर्स की हेल्प से भी इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही फ्लॉलेस आपका जो बेस है ना, वो बहुत ही फ्लॉलेस बनेगा। ये बिल्कुल मीडियम लाइट टू मीडियम कवरेज देता है आपको। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको सेटिंग करना, मतलब इसका सेट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये अस्पहलाल का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसमें जो मेरा शेड है कैरेमल सिल्क 03, और बीबी प्लस क्रीम में मेरा शेड था 01 ओरिजिनल। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं शेड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका शेड लिख देती हूँ गाइस, तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके साथ आता है इस तरीके का स्पॉन्ज, और इसको देखें अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और सबसे पहले आपको इस तरीके से डैबिंग मोशन में अपने अंडर आईज को सेट करना है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर क्रीज पड़ता है और अपनी आईज के ऊपर। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं ना, तो वहां पर आप ध्यान दें तो वहां पर हल्का सा एक क्रीज टाइप का कुछ आ जाता है, तो इसको आपको सेट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अभी हमने कोई भी ब्रॉन्ज नहीं किया है, मुझे लगता है कि एवरीडे बेसिस पर आपको कुछ ब्रॉन्जिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ब्राउन शेड लगाते हैं और अगर आप गर्मियों में लगाते हैं, तो वो ब्राउन शेड आपके पूरे फेस पे धीरे धीरे स्वेटिंग होती है तो वो फैल जाता है, तो इससे आपका जो फेस है ना वो काफी डल लगने लगता है। सो ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल भी यूज ना करें गर्मियों में ब्रॉन्जिंग, वो भी क्रीम वाली बिल्कुल भी यूज ना करें। हाँ, आप पाउडर से थोड़ी बहुत ब्राउनिंग कर सकते हैं। सो अभी हम थोड़ी बहुत ब्राउनिंग करेंगे जो कट देते हैं हमारे फेस को यहाँ पर वो वाली। तो अभी पहले हम फेस को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें। आप अगर गर्मियों का मौसम है तो आप कोई लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ लैक्मे का लूज पाउडर, ये वाला रोज लूज पाउडर, अपने स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से यूज करती हूँ। स्कूल में तो शायद ही कभी मैं मेकअप करके जाती होंगी। तो इस तरीके से, हाँ काजल लगाते थे हम लोग, तो वो भी पीटीआई मैम बोलती थी कि काजल इज नॉट अलाउड, ये वो ये, और हमें पीछे खड़ा हो जाना पड़ता था अगर कोई भी काजल लगा के जाता था तो क्लास से। और वैसे भी मैं अपने क्लास की मॉनिटर थी, सो मुझे ऐसा कुछ भी लगाने का इतना कुछ शौक नहीं था पहले, बट हाँ अब काफी ज्यादा शौक हो गया है। सो इसको हमने बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से हमने सेट कर लिया है। इसके बाद में आप कोई भी इस तरीके का शेड ले लीजिए, और डेली बेसिस के लिए बिल्कुल जो ब्राउन वाला शेड होता है ना, मुझे लगता है कि आपको वो वाला यूज करना चाहिए। हल्का सा कोरल, हल्का सा लाइट ब्राउन शेड आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिमरी काइंड ऑफ है, और थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप में आता है, बहुत ज्यादा डार्क वाला ब्राउन नहीं है ये, और ये थोड़ा सा चमक है इसमें, इल्यूमिनेटर टाइप है। तो ये है एलए कलर्स का स्ट्रोबिंग इल्यूमिनेटिंग पाउडर, और इट्स नॉट अ ब्रॉन्जर पाउडर गाइस, इस तरीके का ब्राउन शेड में है। तो मैं थोड़ा सा ही लेकर इसको देखें, जब भी आपको ब्रॉन्ज करना होता है तो अपने फेस को इस तरीके से करना होता है। ये देखें, केवल आपके जो ईयर है, ईयर से हल्का सा ऊपर एंड इस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर अपवर्ड साइड में इस तरीके से ब्लेंड करते हैं। फॉरहेड पे भी मेरा माथा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अगर यहाँ पे किसी को रोटी पराठे बनाने हो तो वो आकर बना सकता है।
सो गाइज इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। एंड सबसे जरूरी है नोज, तो मेरी नोज है बहुत ही पकोड़े जैसी। इसको हम इस तरीके से देखें, हल्का सा आपको बहुत ही लाइट शेड में यूज करी हूँ, वो भी ये थोड़ा सा शिमरी शेड है तो काफी ग्लोई ग्लोई सा लगेगा आपका फेस। एंड यहाँ पर अगर आपकी डबल चिन है तो यहाँ पर अच्छे से ब्रॉन्जर को अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से कर लिया है और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कोई ब्राउन शेड अप्लाई किया हो या फिर कोई ब्राउन कलर लगाया हो अपने फेस के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप है हमारी आईब्रोज। आईब्रोज बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमेशा आपको आईब्रोज फिल करनी चाहिए। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे तो काफी डार्क आईब्रोज है, फिर भी नहीं पता चलता है अगर मैं ना करूं तो। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी भरी भरी सी लग रही है, ये वाली थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसको बैलेंस तो करना है ना, एक जैसा तो दिखाना ही है। तो इस तरीके के पाउडर्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की ये ब्राउ आर्टिस्ट किट, और इसमें दो शेड्स आते हैं, एक लाइट एक डार्क शेड इस तरीके का। और इसके साथ ऐसा एक एंगुलर ब्रश आता है, इससे हम अपने आईब्रोज को कर लेंगे फिल। तो जो आपकी आईब्रो की शेप है केवल उसी में ही पहले तो आपको बाहर वाली साइड्स पर देन ऊपर वाली साइड्स पर इस तरीके से फिल इन करना है, बहुत ही आसान। जैसे आपकी आईब्रो की शेप है केवल उसी में ही आपको इसे फिल करना है सारी पूरी आईब्रो को। इसके अपोजिट साइड पर इस तरीके की स्पूली होती है, इससे हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कॉम्ब कर लेंगे, तो जो भी इधर उधर है और जो भी अनडिस्टर्ब्ड डायरेक्शन में आपको करना है, ऐसे ही हम इस वाली साइड की आईब्रोज को भी फिल करेंगे। आईब्रोज हमारी हो गई है फिल और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। सो यहाँ पर हमने कोई भी कंसीलर नहीं लगाया है, और बहुत लोग मुझसे कमेंट्स में बोलते हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स हैं तो हम घर पर ही कैसे उसे ठीक करें या फिर कैसे छिपाएं। तो हमने अभी देखिए यहाँ पर कोई भी कंसीलर भी अप्लाई नहीं किया है। अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कंसीलर अप्लाई करें। सो उसके लिए मैंने लिया है देखिए स्टे क्वर्की का ये इस तरीके का व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, जैसे हमारा लूज पाउडर होता है ये भी उसी फॉर्म में होता है। तो हम एक इस तरीके के छोटे ब्रश पे लेंगे और केवल अपने अंडर आईज पर इसे अप्लाई करेंगे। ये देखें, बस आपको डैब डैब करके इसे अप्लाई करना है। केवल और केवल हमने इसको अंडर आई पर अप्लाई किया है, तो इससे क्या होगा, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज्यादा नजर आते हैं तो वो बहुत कम नजर आएंगे। तो इसको अभी केवल आपको इस तरीके से लगाना है, इसे पूरा हम जैसे स्मज करते हैं ब्लेंड करते हैं बिल्कुल वैसे नहीं करना। इसको थोड़ी देर रहने देंगे अपनी अंडर आईज पर, इससे क्या होगा आपके अंडर आईज सेट हो जाएंगी और जिसकी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं वो भी बहुत कम नजर आएंगे, मतलब ना के बराबर नजर आएंगे। तो आपको ये वाली टेक्निक का टिप का यूज करना है। और इसके बाद में हमारा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्वर्की का ये ब्लश, और टूट चुका है ये, फिर भी स्टिल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो हल्का सा मैं अपने फिंगर पर इस तरीके से इसको लूंगी, फिंगर पर लूंगी गाइज। कोई भी मैट शेड आप ले सकते हैं, और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी आईज पर इस तरीके से, दोनों आईज पर। इससे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा लुक आता है और लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इसको हम पूरी आईज पर ऐसे ब्लेंड कर लेंगे, आपको किसी ब्रश की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल आपको लेना है और अपनी आईज पर इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो देखें बहुत ही सॉफ्ट सा कुछ आ जाएगा आपकी आईज पर और बहुत ही एकदम खूबसूरत सा लगेगा। और इसके बाद में आप चाहें तो कोई काजल लगाएं या फिर लाइनर लगा सकते हैं, अगर आप विंग लाइनर के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप विंग लाइनर लगा सकते हैं। मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँ, बट अभी मैं यहाँ पर कोई भी विंग आई लाइनर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग दिस NY बेका काजल, और ये बहुत ही जेड ब्लैक कलर है गाइज, आई एम जस्ट लविंग दिस काजल। तो लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन दोनों पर ही मैं इसको अप्लाई करूंगी। लैश लाइन पर हमने बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद में इस तरीके से अपनी आईज को अपलिफ्ट कीजिए और अपने लोअर लैश लाइन की तरफ भी इस तरीके से
काजल को अप्लाई करना है। थोड़ा सा टफ होता है करने में, बट अगर आपने एक बार कर लिया तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये इस तरीके से, अगर आपको ऐसे करने में परेशानी हो रही है तो जस्ट आप ये इस तरीके से रखिए और आईज को क्लोज करके आपको केवल काजल को चलाना है इस तरीके से, तो आपके जो ऊपर वाले लैश लाइंस हैं वहां पर इजीली से काजल लग जाएगा। एंड लुक एट द डिफरेंस गाइज, कुछ पता चल रहा है? कुछ डिफरेंस तो लग रहा है ना। ये देखिए, ऊपर वाली जो हमारी लैश लाइन है वो थोड़ी सी थिक लग रही है रिगार्डिंग टू दिस, और इस पर भी हम ऐसे ही अब अप्लाई करेंगे। दोनों आईज में हमने काजल को अप्लाई कर लिया है, अपर एंड लोअर लैश लाइन दोनों के साइड्स पर, और इनर कॉर्नर्स पर आप देखेंगे ना दोनों साइड्स पर थोड़ा थोड़ा सा काजल लग जाता है। तो आप एक टिश्यू ले लीजिए, और ये ड्राई टिश्यू है गाइज, तो इससे हम थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा लगा है, तो एक क्लीनलीनेस लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर फेसेस कैनेडा का ये मैग्नेटाइज आई मस्कारा, तो इसको हम अच्छे से अपने लैशेस पर अप्लाई करेंगे। दोनों आईज में हमने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब देखें, आप कोई भी इस तरीके का ब्रश ले लीजिए और अपने लोअर लैश लाइन पर आपको इस तरीके से इसको अप्लाई करना है, जिससे कि जो आपका काजल है ना वो थोड़ा सा स्मज लगेगा और फैलेगा नहीं। तो ये वाली ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपका जो काजल है वो फैल जाता है, तो इस तरीके से देखें। अब आपको ये जो हमने अपने आईज के नीचे पाउडर अप्लाई किया था उसको इस तरीके से हटा देना है, दोनों आईज को, दोनों आईज के नीचे से, और सेंटर ऑफ द नोज पर इस तरीके से हल्का सा अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे फेस के हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं। इसके बाद में आपको अप्लाई करना है ब्लश, तो आप कोई भी ब्लश अप्लाई कर सकते हैं अपनी पसंद का। सो यहाँ पे मैं स्टेक विकी का ब्लश यूज कर रही हूँ इन द शेड पिंक, कोरल कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। तो आप कोई भी लिपस्टिक का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एज अ ब्लश यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में यूज करूँ एक अस्फहलाल की लिपस्टिक है ये, और इसका जो शेड है वो है 05 रोज शेडो। इतना ज्यादा अच्छा और खूबसूरत सा शेड है गाइज, लुक कितना ज्यादा खूबसूरत सा शेड है ये। सो इसको मैं अप्लाई करूंगी लिप्स पर, बहुत ही नेचुरल सा कलर है ये, आप डेली बेसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल सा कलर है ये, और आप इसको डेली बेसिस के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी है, इससे आपके जो होंठ हैं वो बिल्कुल मॉइस्चराइज रहेंगे और ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ चिपचिपा सा गंदा सा लगा लिया है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको। नेक्स्ट एंड जो लास्ट स्टेप है, आप घर में हैं तो आप इसको ना यूज करें, बट आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली हाइलाइटर आपको यूज करना चाहिए। सो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ये मेगा ग्लो हाइलाइटर, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर गाइज, और इसको हम अप्लाई करेंगे इस तरीके के एक फैन ब्रश से। थोड़ा सा आपको लेना है क्योंकि हम एवरीडे मेकअप लुक कर रहे हैं, तो बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट का हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड लुक एट द ग्लो गाइज। ओके, सो हाइलाइटर हमारा कंप्लीट हो गया है, और बस इयररिंग्स वगैरह आप डाल लीजिए, स्टड्स पहन लीजिए, बहुत ही नॉर्मल से आप इयररिंग्स भी डाल सकते हैं, और उसके बाद देखते हैं कुछ ब्यूटी शॉट्स। एंड गाइज, एक एडिशन और है इस लुक में कि आप अपने काजल को एज अ आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसे अपने आईलाइनर वाले पार्ट पर, अपर लैशेस वाले पार्ट पे भी अप्लाई कर रही हूँ दोनों आईज पर। और यहाँ पे मैंने नोज पिन को भी चेंज किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेसरीज से भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है आपके लुक में, तो यहाँ पर आप इस तरीके को कुछ एडिशन भी कर सकते हैं सिंपल एंड अट्रैक्टिव। सो गाइज, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एवरीडे मेकअप लुक, बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये वाला लुक
करके आप लोगों को दिखाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे हमने कोई भी आईलाइनर नहीं यूज किया, बहुत लोगों को परेशानी होती है आईलाइनर लगाने में, बट यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया है, बहुत ही आसान आप लोगों के साथ तरीके शेयर किए हैं जो आप यूज करके अपने आप को खुद को प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने पहने हैं ये वाले इयररिंग्स जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड काफी पुराने हैं ये वाले मेरे इयररिंग्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये वाला मेकअप लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलती हूँ मैं ऐसी अमेजिंग एंड न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।